छोटा भाई बड़े भाई को आवाज मारे, जाओ जाके बर्तन धो, खुद नहीं आ रहा। अच्छा भाई, IFRS 8 के अंदर डिस्क्लोजर, अभी आप लोगों ने नोट नहीं करना, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर कौन कौन से हैं बोलें जल्दी। प्रोडक्ट वाइज सेल, ज्योग्राफिकल एरिया, ज्योग्राफिकल एरिया की, नॉन करंट एसेट का कैरी डाउन या नॉन करंट एसेट की एडिशन। नॉन करंट एसेट का। अच्छा, नॉन करंट एसेट कौन से होते हैं? राइट ऑफ यूज, पीपी, इंटेंजिबल, इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी, कोई भी चीज हो सकती है, नॉन करंट एसेट लिखा हुआ है बस। यानी वो देखना चाह रहे बाहर के मुल्कों में हमारे कितने असासे हैं लंदन में, भाई ये देखना चाह रहे स्टैंडर्ड, नॉन करंट एसेट्स बाहर के मुल्कों में कितने एसेट्स हैं हमारे, करंट या नॉन करंट, और रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर उस ऑर्गेनाइजेशन ने भी देना है जिस ऑर्गेनाइजेशन का सिर्फ एक रिपोर्टेबल सेगमेंट है, फिर भी देना है। अच्छा, मशहूर जमाना जो डिस्क्लोजर है उसमें मेन आता था हमारा सेगमेंट एनालिसिस, यह आता था, और इसके बाद रिकॉन्सिलिएशन आती थी। एक चीज बीच में है, मेजरमेंट, वो कोई इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको इसलिए भी मैं साइड पर रखा हूं। तो एक डिस्क्लोजर में हमारे आ जाते हैं जी सेगमेंट एनालिसिस, मेजरमेंट और रिकॉन्सिलिएशन। अच्छा, इसके अलावा जो हमारे डिस्क्लोजर्स हैं कुछ थ्योरेटिकल हैं, थ्योरी बेस्ड हैं, लेकिन वो बड़े आसान से हैं। इसको कहते हैं जनरल इंफॉर्मेशन, जनरल इंफॉर्मेशन। जनरल इंफॉर्मेशन के अंदर भैया तू तेज है, फैक्टर्स यूज, ये मेजरमेंट क्या मैंने भी नहीं बताया, फैक्टर्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग सेगमेंट, फैक्टर्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग सेगमेंट। थोड़ा सा जरा बताएं क्या फैक्टर्स हो सकते हैं यूज कर ऑपरेटिंग सेगमेंट चूज करने के लिए, या जियोग्राफिकल, नहीं, टेस्ट नहीं पूछ रहा, फैक्टर्स यूज्ड टू आइडेंटिफाई ऑपरेटिंग सेगमेंट। ऑपरेटिंग सेगमेंट आइडेंटिफाई करने के लिए क्या फैक्टर्स यूज किए आप लोगों ने, क्या सोचा, क्योंकि दो किस्म के हो सकते हैं चीजें, आप जियोग्राफिकल बेस पे भी कर सकते हैं या प्रोडक्ट वाइज भी कर सकते हैं, ये दोनों करते हुए आपने क्या चीज चूज की, जरा यूजर को इसकी बेस बता दें, क्या फैक्टर आपने सामने रखे। नंबर टू, जजमेंट आपने इस्तेमाल की, ये सब बना हुआ किताब में, एक जगह मैं बताऊंगा, इन अप्लाइंग एग्रीगेशन क्राइटेरिया, एग्रीगेशन क्राइटेरिया बनाते हुए आपने क्या जजमेंट इस्तेमाल की। मिसाल के तौर पे आपने कहा जी मैं कैटरिंग का काम भी करता हूं और साथ में जो है वो रेस्टोरेंट का काम भी करता हूं, दोनों जगह खाने की चीजें बनती हैं और बेकरी का काम भी करता हूं, इन तीनों का मैंने इकट्ठा कर दिया, फार्मेसी और हॉस्पिटल को मैंने इकट्ठा कर दिया, और जो है वो ट्रांसपोर्ट के अंदर एयरलाइन वाले ट्रांसपोर्ट और बस ट्रांसपोर्ट को मैंने इकट्ठा कर दिया, तो जजमेंट कैसे इस्तेमाल किया आपने एग्रीगेशन क्राइटेरिया में। और तीसरी बात, टाइप्स ऑफ गुड्स, टाइप्स ऑफ गुड्स फ्रॉम विच सेगमेंट डिराइव रेवेन्यू, इसमें और इसमें फर्क बताएं, टाइप्स ऑफ गुड्स फ्रॉम विच सेगमेंट डिराइव रेवेन्यू और प्रोडक्ट वाइज सेल में, इसमें सिर्फ गुड्स के नाम होंगे और यहां पे उनकी सेल भी होगी। टाइप्स ऑफ गुड्स फ्रॉम विच सेगमेंट डिराइव रेवेन्यू, वो कौन सी गुड्स हैं जिनसे आप रेवेन्यू कमा रहे हैं। ओवरऑल अब ये डिस्क्लोजर्स हो गए, आगे मैं इनके पैरा नंबर लिख रहा हूं, पैरा नंबर 22, पैरा नंबर 22 और पैरा नंबर 22, ये थ्योरेटिकल सारे डिस्कशन है। किसका कौन सा पैरा, 23 और 24, 26 27, ये अभी डिस्कस नहीं किया हमने, 26 27 28, इसका 32 33 34, 33 32
चलो आगे नीचे। अब ये सारा पेज पे बता दें कि इस किताब पेज 510 पे लिखा हुआ है, पेज 510 पे जाके लिखा हुआ है, अगर नजर आ रहा है तो ठीक है, नहीं तो तस्वीर खींच लें। पेज 510 पे आए, पेज 510। मैं सब में फर्क बताता हूं, सारा रिवाइज कराऊंगा अभी, बस इसको दो चार पांच दफा हमने पढ़ना है। ओके, आई होप इट्स क्लियर। इधर अटेंटिव रहे आप, केमिकल फार्मा और वो वाली सारी डिस्कशन जहन में लाएं और फिर हम जो है वो इस सवाल को करते हैं। जो कंपनी केमिकल फार्मा सोडा वो सारी चीजें बना रही थी, वो कहेगी मेरे सामने दो ऑप्शंस थी आइडेंटिफाई करने की, ऑपरेटिंग सेगमेंट या एरिया वाइज करते या प्रोडक्ट वाइज करते। तो मैंने सोचा है कि प्रोडक्ट वाइज कर लूं, फैक्टर्स क्या सामने रखे होंगे, सीओडीएम के डिसीजन वगैरह और किस तरह रिपोर्ट्स बनती है उनको सामने रख के मैं केमिकल और सोडा और इस तरह कॉलम बना दिया, बजाय के पाकिस्तान इंडिया और चाइना वाले कॉलम बनाऊं। जजमेंट इन अप्लाइंग एग्रीगेशन क्राइटेरिया, इसी तरह केमिकल्स हम दो किस्म के बना रहे थे, वो कहते हैं सवाल वाला मैंने आपको बताया नहीं, दोनों केमिकल्स मर्ज करके केमिकल एक ही डिवीजन हमने बना दिया, तो वो हमने एग्रीगेट कर दिए दो तीन चीजें जहां हमें मुनासिब महसूस हुआ। और हम चीजें कौन कौन सी बेच रहे हैं, केमिकल सोडा ऐश फार्मा, चीजों पांचों के नाम बता दें, पांचों के नाम बताने छह के नाम बताने में हर्ज कोई नहीं है, बाद में हो सकता है कुछ को रिपोर्ट करें कुछ को रिपोर्ट ना करें। अब जब मेरी सारी टाइप्स ऑफ गुड्स आइडेंटिफाई हो गई तो मैंने सेगमेंट एनालिसिस और इसके दरमियान में वर्किंग 1, 2, 3 पहले करनी है, क्योंकि टाइप्स ऑफ गुड्स तो मेरी बहुत सारी होंगी, उसमें से कौन सी को एनालिसिस में डालना है कौन सी को नहीं डालना, तो इसके और इसके दरमियान में मैं एक वर्किंग करूंगा, वर्किंग 1, वर्किंग 2, वर्किंग 3, और वो वर्किंग्स करके मैंने अलग कर लिया तीन को, किस किस को, केमिकल को, सोडा ऐश को और फार्मा को, तीन को अलग कर लिया। सेगमेंट एनालिसिस में क्या किया, सेगमेंट एनालिसिस में जाके उन तीनों की एक्सटर्नल इंटरनल टोटल डेप्रिसिएशन अमोर्टाइजेशन इंपेयरमेंट ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस और वो सारी इंफॉर्मेशन उनके डिस्क्लोज की, वो जो 15-20 चीजें हैं। उसके बाद मैं रिकंसाइलिंग आइटम्स लेके गया, उसमें मैं सेल प्रॉफिट एसेट्स और लाइबिलिटीज और अगर कोई मटीरियल एक्सपेंसेस हैं जैसे ऑपरेटिंग एक्सपेंस उसको लेके चले गए। कुछ बच्चे कहते टेस्ट के वो जो होमवर्क वाले सवाल में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस नहीं बना हुआ, नहीं बना हुआ, बना दीजिएगा अगर डेटा अवेलेबल है तो, कोई इतना हार्ड एंड फास्ट नहीं है। अच्छा, मेयरमेंट इंशाल्लाह कल सुबह सुबह आते पढ़ेंगे। मेयरमेंट ये होता है कि कई दफा फाइफो यूज कर रहे होते हैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में और मैनेजर कहते हैं वेटेड एवरेज बना के दो, सीओडीएम कहता है, वो फिर मसला पड़ जाता है। मेयरमेंट ये है, मेयरमेंट में ऐसा भी हो सकता है आप चाह रहे हो कॉस्ट मॉडल फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में, लेकिन सीओडीएम कह रहा हो जरा रीवैल्यू करवा के भी मुझे चीजें बता दो, तो वो फिर मेयरमेंट गैप आ जाता है। मेयरमेंट आप सीओडीएम के लिए कुछ और कर रहे होते हैं और बेचारे आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाने लगते हैं तब आपको कुछ और करना पड़ता है, तो वो मेयरमेंट का कोई गैप आ रहा है, तो वो इंशाल्लाह कल देखेंगे। तो मेयरमेंट थोड़ा थोड़ा समझ आ गया, हो सकता है सीएफ सीओडीएम कहे मुझे फाइफो वेटेड एवरेज दोनों से निकाल के दो प्रॉफिट, लेकिन फाइनेंशियल स्टेटमेंट में तो आप दोनों में से, तो मेयरमेंट में कोई ना कोई चीजों की मसला आ सकते हैं, मेयरमेंट मेयर करते हुए चीजों के मसला आ सकता है। जब ये सारे डिस्क्लोजर्स बन जाएंगे फिर आप प्रोडक्ट वाइज अपनी सेल बताएंगे, वो अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस ने इसलिए नहीं बताई होती, ये डिस्क्लोजर आपको अक्सर ऑर्गेनाइजेशंस में नहीं मिलेगा, प्रोडक्ट वाइज सेल इसलिए नहीं मिलेगा कि वो ऑलमोस्ट मेजर सेल यहां सेगमेंट एनालिसिस में कवर हो रही होती है, और वो दो तीन जो छोटे छोटे अदर ऑपरेटर सेगमेंट होते हैं जो नॉन रिपोर्टेबल होते हैं उनकी वो बनाना पसंद नहीं करते, वरना बेहतर है प्रोडक्ट वाइज सेल सबकी बता दें, उधर सेल बतानी है इधर प्रोडक्ट्स के नाम बताने हैं। बाहर के मुल्क में कितनी सेल की, पाकिस्तान में कितनी सेल की, बाहर के मुल्क में कितने नॉन करंट एसेट्स हैं और पाकिस्तान में कितने नॉन करंट एसेट्स हैं। ये सेगमेंट एनालिसिस के एसेट्स से मैच नहीं कर रहे होंगे क्योंकि इसमें करंट नॉन करंट दोनों पड़े होंगे, ये तो सिर्फ कौन से एसेट्स हैं और एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर ये आप बताएंगे, कस्टमर की आइडेंटिटी नहीं बतानी और कस्टमर का नाम शाम कुछ भी नहीं डिस्क्लोज करना। ओके, इन सारे डिस्क्लोजर्स को पढ़े बगैर एक बार किताब में इसकी सैर कर लें। पेज नंबर फाइव, नहीं नहीं 512, ये आपने याद नहीं करना, मैंने ऐसे ही ये जो है ना ये वाला सारा ये कुछ इंग्लिश होती है, ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट में लिखी होती है कहीं ना कहीं, तो ये वाली जो आज मैंने आपको एक नई चीज बताई है, ऑपरेटिंग सेगमेंट कैसे आइडेंटिफाई किए, दो तीन को एग्रीगेट कैसे किया और फार्मा सारी चीजें पांचों छोटों के नाम जो जो मैं बेच रहा हूं एक जनरल इंफॉर्मेशन है, इसमें सिर्फ अंग्रेजी मिलेगी आपको जनरल इंफॉर्मेशन में, देयर विल बी नो फिगर्स।
सेगमेंट रिपोर्टिंग इज बेस्ड ऑन ऑपरेटिंग सेगमेंट्स ऑफ ग्रुप, यानी कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में हम कर रहे हैं, इंडिविजुअल में नहीं कर रहे, ग्रुप होता है कंसोलिडेशन वाला। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट इज अ कंपोनेंट ऑफ अ ग्रुप दैट एंगेजेस इन बिजनेस फ्रॉम व्हिच इट मे अर्न रेवेन्यू एंड इनकर एक्सपेंसेस इंक्लूडिंग रेवेन्यू एंड एक्सपेंसेस दैट रिलेट टू ट्रांजेक्शन विद एनी ऑफ द ग्रुप्स अदर कंपोनेंट्स। मुझे तो लगता है हम यूजर्स को थोड़ा सा IFRS 8 समझा रहे हैं होता क्या। एन ऑपरेटिंग सेगमेंट रिजल्ट्स आर रिव्यूड रेगुलरली बाय चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर टू मेक डिसीजंस अबाउट रिसोर्सेज टू बी एलोकेटेड टू सेगमेंट एंड असेस इट्स परफॉर्मेंस एंड फॉर विच डिस्क्रीट फाइनेंशियल इन्फॉर्मेशन इज अवेलेबल। तो ये तो ऑपरेटिंग सेगमेंट को आइडेंटिफाई करने के फैक्टर्स आप बता रहे हैं कि उनके रेवेन्यूज भी होते हैं, एक्सपेंसेस भी होते हैं उसके अंदर, और उसके अंदर डिस्क्रीट इन्फॉर्मेशन भी अवेलेबल होती है। तो ये जनरल इन्फॉर्मेशन जो हम वो एक पैरा स्टैंडर्ड का पढ़ा था, तीन शराइत पूरी होनी चाहिए तब ऑपरेटिंग सेगमेंट ऑपरेटिंग बनता है। दस EODM हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर एलोकेटिंग रिसोर्सेज एंड असेसिंग परफॉर्मेंस ऑफ ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड एज बोर्ड ऑफ डायरेक्टर। ये इस कंपनी ने बीच की बात बता दी, कहते हैं मेरा CEO नहीं है CODM, मेरा CFO CODM नहीं है, हमने बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पेरेंट कंपनी को CODM बनाया हुआ है। ये इन्होंने बड़ी काम की बात कही है, हर कंपनी का अपना CODM होता है। ये स्टैंडर्ड ने कहा हुआ था इनमें से कोई रख लो, लेकिन कितना ब्यूटीफुल डिस्क्लोजर है, इसने बता दिया मैंने इनमें से किनको CODM चूज किया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स को। सेगमेंट रिजल्ट्स क्या होते हैं? सेगमेंट रिजल्ट्स एसेट्स लाइबिलिटीज रेवेन्यूज प्रॉफिट्स एसेट्स लाइबिलिटीज एक्सपेंसिस डेप्रिसिएशन अमॉर्टाइजेशन। सेगमेंट रिजल्ट्स डेट आर रिपोर्टेड टू CODM इंक्लूड्स आइटम्स डायरेक्टली एट्रीब्यूटेबल टू सेगमेंट एज वेल एज दो दैट कैन बी एलोकेटेड ऑन अ रीजनेबल बेस। क्या कोई ऐसा आइटम है जिसको आप रीजनेबल बेस पे सेगमेंट्स में एलोकेट कर सकें? हो सकता है एक जनरेटर चलता हो जिससे सबको बिजली मुहैया होती हो, तो उस जनरेटर के पेट्रोल को आप सब पे एलोकेट कर दें। कॉस्ट अकाउंटिंग में कभी ऐसा किया या किसी किसी सब्जेक्ट में कुछ किया, किसी एक खर्चे को सब में डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, तो ऐसा कर सकते हैं आप, कोई मसला नहीं। अनएलोकेटेड आइटम्स, कौन सी चीजें सेगमेंट्स में नहीं डाली जाती थी? अनएलोकेटेड आइटम्स, हैंड रिटन पेज दिया था एक, हेड ऑफिस के खर्चे, हेड ऑफिस के एसेट्स, हेड ऑफिस की। अनएलोकेटेड आइटम्स कंप्राइज मेनली कॉर्पोरेट एसेट्स, कॉर्पोरेट एसेट्स कौन से? इनकम टैक्स एसेट्स, कोई टैक्स रिसीवेबल है गवर्नमेंट से, इनकम टैक्स लाइबिलिटीज करंट टैक्स पेबल एंड रिलेटेड इनकम, और कुछ इनकम और एक्सपेंसेस ऐसे हैं जो हम कहीं भी नहीं डालते क्योंकि वो कॉर्पोरेट एसेट्स हैं, तो उनको हम सेगमेंट में नहीं डालते। द ग्रुप स्ट्रेटेजिक स्टीयरिंग कमेटी, कोई होगी कमेटी कंसिस्टिंग ऑफ बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स ऑफ पेरेंट कंपनी, एग्जामिन्स द ग्रुप परफॉर्मेंस बाय प्रोडक्ट एंड जियोग्राफी। कहते हैं CODM दोनों तरह इंफॉर्मेशन मांग लेता है, प्रोडक्ट वाइज भी मांग लेता है। कहते हैं मैंने वैसे ना फिर आइडेंटिफाई प्रोडक्ट वाइज ही करना बेहतर समझा है। कहते हैं मैं सेगमेंट्स ऐसे बना रहा हूं, मैं एरिया वाइज नहीं बना रहा। अब डिस्क्लोजर दोनों तरह तो हम दे नहीं सकते, बहुत टाइम लग जाएगा, तो या सेगमेंट एनालिसिस प्रोडक्ट वाइज हो सकता है या एरिया वाइज हो सकता है। तो वैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोनों को देख रहे हैं, तो इन्होंने ये वाला कैसे डिसाइड किया होगा? एक्सेलेंट, कोर प्रिंसिपल कौन बोला, हाथ खड़ा करें, कीपिंग इन व्यू द कोर प्रिंसिपल, कोर प्रिंसिपल को सामने रखकर यूजर से मशवरा मांगा होगा, उन्होंने कहा होगा हमें मुनासिब लगता है प्रोडक्ट वाइज। अब इन प्रोडक्ट्स के हमने नाम दे दिए और थोड़ी थोड़ी इनकी नेचर बता दी, थोड़ी थोड़ी इनकी नेचर बता दी, टाइप्स ऑफ गुड्स फ्रॉम विच सेगमेंट डिराइव, ये वाला सारा डब्बा बना हुआ है, ये नहीं यहां कहीं आया, एग्रीगेट किया नहीं होगा उन्होंने चीजों को। ये सारे सेगमेंट्स हैं जिनकी थोड़ी थोड़ी हमने नेचर बता दी। इसके बाद जनरल इंफॉर्मेशन के बाद पिछले सफे पे आके मैंने वर्किंग 1 की 2 की और 3 की, ये तो वर्किंग है ना, ये तो स्टैंडर्ड का पार्ट नहीं है, डिस्क्लोजर का पार्ट नहीं है। उसके बाद सबसे पहला डिस्क्लोजर, इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग दीज इज एज अंडर, इसके ऊपर लिख लिया आपने सेगमेंट एनालिसिस, ये हमारा पहला डिस्क्लोजर हो गया सेगमेंट एनालिसिस। सेगमेंट एनालिसिस इसमें क्या कौन कौन से थे? केमिकल, सोडा एश, फार्मा, और बाकी इधर इकट्ठे हो गए थे 2 और इधर टोटल आ गया था। और ये 10-11 चीजें नहीं थी, और भी कुछ चीजें थी। पैरा कौन सा था? 22 और 23 और 24 भाई, नहीं इधर पकड़ लिया जाएगा आपको बोंगी मारी, तो छोड़ेंगे नहीं लोग, पढ़ने वाले नहीं छोड़ते ना पढ़ने वाला। ये हो गया सेगमेंट, मेजरमेंट की डिस्कशन इधर भी नहीं है, मैं कल करूंगा। रिकॉन आगे आगे जी, री कॉन्सिलिएशन, उसके बाद इंफॉर्मेशन बाय, ये वाला मैंने नहीं दिखाया, इंफॉर्मेशन बाय पाकिस्तान फॉरेन कंट्रीज रेवेन्यू, और इस तरह नॉन करंट एसेट्स, इंफॉर्मेशन अबाउट मेजर कस्टमर। तो अब जरा जबानी याद कर लें, नंबर 1 जनरल इंफॉर्मेशन,
ये आज नई बात की है। जनरल इन्फॉर्मेशन में क्या ऑपरेटिंग सेगमेंट को कैसे चुनते हैं, दूसरा सवाल अगर एग्रीगेट करना हो तो क्या जजमेंट लगाते हैं, और तीसरी बात टाइप्स ऑफ गुड्स जिनसे रेवेन्यू कमाया जाता है। इधर टाइप्स ऑफ गुड्स देनी है और इधर इनकी सेल देनी है। इधर वो जो सबसे बड़ा वाला हम बनाते हैं 15-20 चीजें डाल के, और इधर रिकॉन्सिलिएशन। टाइप्स ऑफ गुड्स में सारी मेजर गुड्स लिख दें, कुछ छोटी मोटी, हाँ हाँ नॉन रिपोर्टेबल भी, सिर्फ उसके नाम लिखने हैं। देखो टाइप्स ऑफ गुड्स में क्या करना है, नाम लिखने हैं, हल्की फुल्की नेचर भी लिखते हैं तो बेहतर, ये किन किन से मैं रेवेन्यू कमा रहा हूँ। कम ऑन पेज 506 प्रैक्टिकल लिमिट से हम शुरू कर रहे थे। खुदा के लिए आज इस स्टैंडर्ड को खत्म कर दें, सब कुछ वाइट खुला हुआ है सामने, चीजें बड़ी आसान है, फोकस करें। पेज 506 प्रैक्टिकल लिमिट। एक ऑर्गेनाइजेशन के अगर 13-14 सेगमेंट बना दिए जाएं तो यूजर के लिए बड़ा मुश्किल सा हो जाएगा समझना चीजें। तो देयर मे बी अ प्रैक्टिकल लिमिट टू द नंबर ऑफ डेट एन एंटिटी सेपरेटली डिस्क्लोजेस, लेकिन अगर आप उसको क्रॉस करेंगे सेगमेंट इन्फॉर्मेशन मे बिकम, अगरचे कोई प्रिसाइज लिमिट नहीं है एज नंबर ऑफ सेगमेंट्स डेटा रिपोर्टेबल इन अकॉर्डिंग टू पैरा 13-18, लेकिन कहते हैं कि इंक्रीजेस अबव 10, अगर 10 से ज्यादा बढ़ जाएं द एंटिटी शुड कंसिडर वेदर अ प्रैक्टिकल लिमिट हैज बीन, अगर 10 से ज्यादा बढ़ जाए तो आप सोच लिया करें ये एक प्रैक्टिकल लिमिट है और आप रीच कर गए, 11वां 12वां रिपोर्टेबल ना ढूंढा करें। वैसे मेरे ख्याल से 10% टेस्ट जब आप लगाएंगे तो 10 से ज्यादा आएंगे भी नहीं, अकल की बात ही है ना। वैसे जब आप 200 आपकी सेल है तो आपने 10% इसका लगा दिया 20, तो हर एक की 20 सेल होगी, तो हाँ बाकी एसेट्स की बेस पे भी हो सकता है, सही कह रहे हो आप, लेकिन आमतौर पे 10 से ज्यादा कितने होने हैं, वो भी कह रहे 10 पे क्या लगा दो ब्रेक लगा दो। तो बस अब सारा ये याद करने की जरूरत नहीं है, सारे को फारिग, बस प्रैक्टिकल लिमिट अबव 10 जरा अजीब सा है, अगर इंक्रीज करे अबव 10 तो आप कंसिडर करो कि बस अब मैं रीच पहुंच गया हूं लिमिट, इससे ज्यादा ना करूं मैं। अच्छा हाँ जी एसी भाई, एसी का टेम्परेचर 16 पे कर दें, टेम्परेचर ज्यादा कर दें। नॉन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स, अभी मैंने आपको डायग्राम दिखाई है, यहां डालेंगे पॉलिएस्टर पेंट, पता नहीं केमिकल पेंट जो भी था, वो जो दो इधर डाले थे, हेडिंग बताएं नॉन रिपोर्टेबल, किसी को नॉन रिपोर्टेबल के नाम याद हो, पॉलिएस्टर और पेंट। चुप भाई, इन्फॉर्मेशन अबाउट अदर बिजनेस एक्टिविटीज एंड ऑपरेटिंग सेगमेंट डेट आर नॉट रिपोर्टेबल शेल बी कंबाइंड एंड डिस्क्लोज्ड इन ऑल अदर सेगमेंट कैटेगरीज। ऑल अदर सेगमेंट कैटेगरी में चले जाएंगे, आगे काट दें। ओके पैरा 20 भी जरूरत नहीं है, चलें जनरल इंफॉर्मेशन बता दें। जनरल इंफॉर्मेशन फैक्टर्स यूज टू आइडेंटिफाई रिपोर्टेबल सेगमेंट दैट इज वेदर द एंटिटी ऑर्गेनाइज्ड अराउंड डिफरेंट प्रोडक्ट्स और डिफरेंट रीजंस, जजमेंट मेड बाय मैनेजमेंट इन अप्लाइंग द टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट्स एंड सर्विसेज फ्रॉम विच ईच रिपोर्टेबल सेगमेंट डिराइव इट्स। ये जनरल इंफॉर्मेशन थी जो हमने पहली दफा पढ़ी। इस सारे को क्रॉस करें क्योंकि ये एक रेपिटेशन है, इस सारे को क्रॉस करें। अच्छा एक बात इसमें से लिख लें, 26 पे करना था भाई, 16 पे कर दिया, 22 पे कर दो, नहीं मत कमेंट तो किया करें आप लोग, जिसने जो बात करे वो करें। अभी तरह आप बस में जा रहे होंगे, जहाज में जा रहे होंगे, पिछली वाली सवारी बोतल मंगवा रही होगी, अब आप कहेंगे यार ये बार बार बोतल मंगवा रहा है, उसको उसने चंड का तुझे क्या मसला है, मैंने भी पैसे दिए हैं, तो क्यों दूसरों के कामों में ना इंटरफेयर करें, खुदा के लिए फ्राई पुनी का पाप ना बुन, तू अपना कर जो काम करना है। सेगमेंट इन्फॉर्मेशन किस किस साल की दी जाए, एक साल की या कंपैरेटिव भी देनी है, आपने काट दिए इसलिए मैं अलग से लिखवाऊंगा, फॉर ईच पीरियड फॉर विच एसओसीआई इज प्रेजेंटेड। अगर एसओसीआई 2 साल की तो सेगमेंट इन्फॉर्मेशन भी 2 साल की, एसओसीआई 3 साल की तो सही, लेकिन नॉर्म क्या है अकाउंटेंट्स की, कितने सालों की इन्फॉर्मेशन देते हैं, 2 सालों की। इसी तरह ईच डेट एट विच अ बैलेंस शीट इज प्रेजेंटेड,
हर डेट जिस पे बैलेंस शीट प्रेजेंट की जाए उसकी आपने सेगमेंट इंफॉर्मेशन देनी है। आईएएस सेट में किसी को याद हो कभी कभी 3 सालों की बैलेंस शीट भी बनती थी, अगर कोई पुरानी एरर पता चल जाती थी। तो फिर जितने सालों की बैलेंस शीट उतने सालों की सेगमेंट इंफॉर्मेशन, और अगर प्रॉफिट एंड लॉस 2 सालों का बन रहा है तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन 2 सालों की, और अगर बैलेंस शीट 3 सालों की बन रही है तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन 3 सालों की। तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन कितने अरसे की देनी है ये लिखना शुरू करें। फॉर ईच डेट फॉर विच P&L इज प्रिपेयर्ड एट विच बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। ये फॉर विच और एट विच मैंने क्यों लिखवाया? सेगमेंट इंफॉर्मेशन आपने ईच डेट की देनी है, फॉर विच P&L इज प्रिपेयर्ड एंड एट विच बैलेंस शीट इज प्रिपेयर्ड। अगर P&L 2 सालों का है तो सेगमेंट इंफॉर्मेशन 2 सालों की, अगर बैलेंस शीट 3 सालों की है तो फिर आप एसेट्स लाइबिलिटीज 3 सालों के शो कर दो और P&L में रेवेन्यूज एक्सपेंसेस 2 सालों के शो कर दो। तो जो जो इन्फॉर्मेशन P&L की है वो 2 साल की, और अगर बैलेंस शीट 3 सालों की है तो फिर बैलेंस शीट टाइप वाली चीजें 3 सालों की। यानी 1 साल की इंफॉर्मेशन देने से गुजारा नहीं चलेगा। सेगमेंट एनालिसिस पैरा नंबर 23, ये तो पता है ना आपको यार, प्रॉफिट एसेट्स लाइबिलिटीज एक्सटर्नल सेल इंटरनल सेल इंटरेस्ट इनकम इन्वेस्टमेंट डेप्रिसिएशन अदर मटेरियल, ये तो सारे याद तो नहीं करने ना, ये तो स्टैंडर्ड से आपको हाईलाइट करा दिया था। कितने स्टैंडर्ड में देख लिए मैं, ये वो नोट पहला वाला था सेगमेंट एनालिसिस वाला। और 2 चीजें और थी किसी को याद हो, एडिशन टू, ये सारा सेगमेंट एनालिसिस है, ये आपने सेगमेंट्स के बारे में बताना है। तो ये 2 पैराज हैं 23 और 24। मटेरियल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस है, ऑपरेटिंग एक्सपेंस है, आपका दिल चाहे कॉस्ट ऑफ सेल का डेटा दे दे वो कर लो, कोई भी मटेरियल आइटम्स एक्सपेंसेस के, मटेरियल आइटम्स ऑफ इनकम एंड एक्सपेंसेस। रिकॉन्सिलेशन बता दें किस किस की बनानी है, रेवेन्यू, ओए ये भी नोट कर लें आज, PBT की बनानी है या PAT की बनानी है? PBT, उसने तो कभी टैक्स हमें देके अलग से दोबारा में डेटा नहीं दिया ना, लेकिन अगर PBT PAT दोनों की दे रहे तो रिकॉन्सिलेशन सिर्फ किसकी बनानी है? PBT की। और मटेरियल आइटम अब कोई भी हो सकते हैं, जैसे हम सवाल में ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस ले लेते थे, इसको भी क्लोज कर। अच्छा यहां तक होगी रिकॉन्सिलिएशन, सेगमेंट एनालिसिस एंड रिकॉन्सिलिएशन। अब एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर्स, एक्सटर्नल सेल का प्रोडक्ट वाइज ब्रेकअप, एक्सटर्नल सेल और नॉन करंट एसेट्स एज ऑन का पाकिस्तान और फॉरेन कंट्री में, और एक्सटेंट ऑफ रिलायंस ऑन मेजर कस्टमर। एक चीज हमारी अब रह गई मेजरमेंट, कल इंशाल्लाह करेंगे, एक चीज हमारी रहेगी मेजरमेंट। ओके अब आप मुझे ये बताएं, कीपिंग इन व्यू दीज डिस्क्लोजर्स, इन डिस्क्लोजर्स को सामने रखते हुए मुझे बताएं, हमने केमिकल फार्मा और उसमें कौन से वाले डिस्क्लोजर बनाए थे? सेगमेंट एनालिसिस और रिकॉन्सिलिएशन, ठीक है। इसके बाद हमने वो जो डिस्क्लोजर थे एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर में, वो एक सफा बांटा था, उस सफे के अंदर जो सवाल आए थे वो बनाए थे। अब जो आपको टर्म टेस्ट में टेस्ट आएगा उसमें सेगमेंट एनालिसिस भी होगा, रिकॉन्सिलिएशन भी होगी, ये ज्योग्राफिकल एरिया वाइज भी बनाना पड़ेगा और मेजर कस्टमर वाइज भी बनाना पड़ेगा। एक सवाल हमने और किया था पास पेपर क्वेश्चन 2, उसमें हमने क्या किया था, एरर्स और ओमिशंस फाइंड की थी कि उस सवाल के अंदर क्या गलती है। अब हमारी तरफ से स्टैंडर्ड खत्म हो गया, ये मेजरमेंट का पैरा एक रह गया है, एक आखिरी पैरा है, आप हजरात इसको खुद पढ़ के मुझे जवाब दे दें। कल हो सकता है मैं स्टैंडर्ड की कोई एक समरी आपसे प्रॉपर शेयर करूं ताकि इन सारे पैरास को भी एक जगह लिस्ट डाउन कर दिया जाए। ये आखिरी पैरा पढ़ के मुझे बता दें ये क्या है, डेट इज ऑन सबर का आपके इम्तिहान खत्म कर रहा हूं, पेज 505।
इसके आगे लिखें वर्सेस पैरा सेवन, वर्सेस पैरा सेवन, इसके बाद हमारा IFRS 9 है, कंसोलिडेशन है, एसोसिएट है, IAS 37 है, IFRS 15 है और फाइनल अकाउंट है। अब वी आर वेरी लकी कि वो जो थ्योरी थ्योरेटिकल स्टैंडर्ड्स थे ना, जैसे 38 था, 41 था, IFRS 8 था, बस ये तीन चार स्टैंडर्ड ज्यादा थ्योरेटिकल थे, क्योंकि थ्योरी की डिस्कशन काफी ज्यादा करनी पड़ी थी। आने वाले स्टैंडर्ड्स के अंदर ज्यादा डिस्कशन नहीं है। अच्छा, पैरा सेवन इज डिसाइडिंग COODM कौन है, पैरा सेवन इज डिसाइडिंग COODM कौन है, पैरा नाइन इज डिसाइडिंग सेगमेंट मैनेजर कौन है। सो लेट मी रिवाइज व्हाट इज COODM। COODM, एक मिनट, पैरा सेवन आपको बता रहा हूं, COODM इन सबका बॉस, COODM इज नॉट अ पर्सन, इट इज अ फंक्शन, मे बी चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, मे बी चीफ ऑपरेटिंग डिसीजन मेकर COO, मे बी बोर्ड ऑफ, दैट इज अबाउट COODM। नाउ माई डिस्कशन इज नॉट अबाउट COODM बिकॉज ही इज हेडिंग ऑल, माई डिस्कशन इज अबाउट मैनेजर। सेगमेंट मैनेजर जरूरी नहीं कि ये कोई बंदा हो, बस ये एक फंक्शन है। सेगमेंट मैनेजर क्या है? फंक्शन है। एक मैनेजर एक से ज्यादा को भी मैनेज कर सकता है, एक बात ये हो गई। और अगर मैनेजर ना हो तो COODM भी कोई दो तीन चीजों का मैनेजर बन सकता है, अपना लेवल गिरा दे, COODM भी दो तीन का मैनेजर बन सकता है। असल में पता है वो कहना क्या चाह रहे हो, कहते हैं मैनेजर की बेस पे डिसाइड नहीं होता ऑपरेटिंग सेगमेंट कितने हैं, डिसाइड किस बेस पे होगा ऑपरेटिंग सेगमेंट कितने हैं, रेवेन्यू कमाता हो, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, और COODM को इनकी रिपोर्ट अलग अलग, इस बेस पे डिसाइड करना है कितने ऑपरेटिंग सेगमेंट है। आप अगर तुम ये कह दो यार ये तीनों बातें साइड पे रखो, हमने एक मैनेजर इनके लिए रखा हुआ है और एक मैनेजर इनके लिए रखा हुआ है, क्योंकि हमारी ऑर्गेनाइजेशन ज्यादा मैनेजर अफोर्ड नहीं करती, इसलिए हमारे दो ऑपरेटिंग सेगमेंट है, मैनेजर के बेस पे ऑपरेटिंग सेगमेंट डिसाइड होने, इसलिए इस पैरे में उसने सारी कंफ्यूजन क्लियर कर दी। उसने कहा एक मैनेजर रखो, दो मैनेजर रखो, COODM को मैनेजर कह दो, कहते हैं सारी चीजें फारक करो, मेरी नजर में ऑपरेटिंग सेगमेंट वो होंगे जो रेवेन्यू और खर्चे कर रहे हो, डिस्क्रीट फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अवेलेबल हो, और COODM को अलग अलग इंफॉर्मेशन जाती हो, दैट इज ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो बता दें किस बेस पर ऑपरेटिंग सेगमेंट डिसाइड नहीं होते, मैनेजर की बेस, मैनेजर के बेस पर डिसाइड नहीं होते। जनरली एन ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज अ मैनेजर, जनरली सबका अलग अलग मैनेजर होता है, आमतौर पे होना भी चाहिए, वैसे हर की एक्सपर्टाइज अलग होनी चाहिए। जनरली एन ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज आ, ये आप लोगों ने फोकस किया था एन और आ, जनरली एन ऑपरेटिंग सेगमेंट हैज आ मैनेजर हु इज डायरेक्टली अकाउंटेबल एंड मेंटेन्स रेगुलर कॉन्टेक्ट विद COODM। तो ये कह रहे हैं हमारे पांच मैनेजर हैं और पांच इससे मिलते रहते हैं अक्सर टू डिस्कस ऑपरेटिंग एक्टिविटीज, फाइनेंशियल रिजल्ट्स, फोरकास्ट, प्लान्स। द टर्म मैनेजर आइडेंटिफाइज अ फंक्शन, इट इज नॉट अ मैनेजर विद अ स्पेसिफिक टाइटल। द COODM ऑल्सो मे बी द मैनेजर फॉर सम ऑपरेटिंग सेगमेंट, हो सकता है पेट इधर दे, COODM मे बी द मैनेजर फॉर सम सेगमेंट, एंड 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 और बोले आगे एंड अ सिंगल मैनेजर मे बी द मैनेजर फॉर मोर देन वन ऑपरेटिंग सेगमेंट। तो इट्स ऑल पॉसिबल, कोई मसला नहीं। तो बता दिया मैनेजर के बेस पे ऑपरेटिंग सेगमेंट डिसाइड होने हैं। ओ उस क्लास से कौन जा रहा है, तो कितना बड़ा नुकसान हो गया दुनिया का। अच्छा, If the characteristics, माइक नहीं चल रहा। If the characteristics apply to more than one set of components, but there is only one set, बस leave it, इसकी जरूरत नहीं है। Okay. आप पता क्या होना है? फिर आज जो है ना एक मैसेज आना है, सर ये वाला जरा लेक्चर अपलोड करवा दें। तो ये जरा देखें, आप अपलोड मैं कर देता हूँ। आप लोग ना बस अपने आप को, अपने आप से सवाल पूछते रहे, थोड़ा सा टेक लगा के बैठ जाए, अपने आपसे सवाल पूछते रहे, यस नो आपने बोलते रहने। ये स्टैंडर्ड ऐसी ऑर्गेनाइजेशंस पे लगता है जो लिस्टेड हैं, चाहे इनका डेट इंस्ट्रूमेंट्स लिस्टेड हो चाहे इक्विटी, यस, या ये ऑर्गेनाइजेशन लिस्ट होने वाली हो। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन सेपरेट फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स भी बना रही है और कंसोलिडेटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बना रही है, ये स्टैंडर्ड किस पे लगेगा? कंसोलिडेटेड पे। क्या फैक्टर्स होंगे आइडेंटिफाई करने के लिए कि ऑपरेटिंग सेगमेंट्स कौन सा है? उनमें ये तीन बातें पाई जाएं, इनमें दो एहतियातें थी। ऐसा सेगमेंट जिसने रेवेन्यू कमाना नहीं शुरू किया लेकिन करने वाला है, वो भी ऑपरेटिंग सेगमेंट हो सकता है।
और एक और एहतियात थी, पता नहीं वो कौन सी थी, हाँ, और जो कभी कभी एक्सीडेंटली रेवेन्यू आ जाता है हेड ऑफिस को चीजें बेच के, इसका मतलब ये नहीं कि हेड ऑफिस हमारा जो है वो ऑपरेटिंग सेगमेंट बन जाएगा। अच्छा, सीओडीएम एक फंक्शन है, कोई पोस्ट नहीं है, सीईओ भी हो सकते हैं, सीओओ भी हो सकते हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स भी हो सकते हैं। फॉर मैनी एंटिटीज उनको जरा तीन बातें आसानी से उनकी पता चल जाती हैं, बहुत सी एंटिटीज की तीन बातें आसानी से पता चल जाती हैं। अगर पता ना चल रही हो तो फिर देख लो कि मैनेजर्स किस एतबार से रिस्पॉन्सिबल हैं, एरिया वाइज रिस्पॉन्सिबल हैं या प्रोडक्ट वाइज, या फिर देख लो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स एरिया वाइज चीजों को देखते हैं या प्रोडक्ट वाइज, और हमने कहा था फिर भी डेडलॉक हो जाए तो फिर कोर प्रिंसिपल को देख लो। इसके बाद सेगमेंट मैनेजर के बारे में ताता ताता पढ़ा है। सेगमेंट मैनेजर एक सेगमेंट के दो तीन सेगमेंट का एक मैनेजर भी हो सकता है और सीओडीएम खुद भी मैनेजर हो सकता है, इट इज नॉट नेसेसरी। उसके बाद मैट्रिक्स फॉर्म ऑफ ऑर्गेनाइजेशन ये थी, जिसमें प्रोडक्ट वाइज भी इंफॉर्मेशन जाती है और ज्योग्राफिक वाइज भी। इसमें इन द एंड आके हमने कहा था कि कुछ भी नहीं बन रहा तो कोर प्रिंसिपल को फॉलो कर लो। इसके बाद रिपोर्टेबल सेगमेंट कौन सा होता है, भाईजन वो नहीं होता जो 10% टेस्ट पास करे, पहले इसका ऑपरेटिंग सेगमेंट बनना जरूरी है। रिपोर्टेबल कौन सा होगा, जो इनमें से होगा, ये दोनों रिपोर्टेबल नहीं हो सकते। रिपोर्टेबल बनने के लिए दो शर्तें, चुप रिपोर्टेबल बनने के लिए दो शर्तें, इनमें से हो, इन दोनों में से ना हो, यानी ऑपरेटिंग हो, और अगली शर्त 10% टेस्ट पास करता हूं, देन डेट विल बी कॉल्ड एज रिपोर्टेबल सेगमेंट। लेकिन अगर आपके सेगमेंट्स बहुत ज्यादा हो गए हैं तो आप दो तीन को एग्रीगेट करने के लिए पांचों शराइत पूरी होना जरूरी है। प्रोडक्ट भी सेम नेचर की हो, प्रोडक्शन प्रोसेस भी तकरीबन सेम हो, कस्टमर भी सेम किस्म के हो, और मेथड टू डिस्ट्रीब्यूट भी सेम हो। इसके बाद अब इन ऑपरेटिंग में से किनको रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग बनाना है, उसके लिए कितने परसेंट टेस्ट, 10% टेस्ट। लेकिन अगर ऑर्गेनाइजेशन को यह लगे कि कोई और सेगमेंट मेरा 2-3% सेल कर रहा है लेकिन यूजर को बताना इसके बारे में जरूरी है, तो उसको भी डिस्क्लोज कर सकता है। अगर एन एंटिटी मे कंबाइन डू नॉट, ये तो वो एग्रीगेशन क्राइटेरिया था। अगर 2013 के अंदर कोई सेगमेंट रिपोर्टेबल था और अब आके सेल नीचे गिर गई है तो क्या करें, मर्जी है आपकी, मर्जी है, जरूरी नहीं है, मर्जी है आपकी। इफ मैनेजमेंट जजेस दैट ऑपरेटिंग सेगमेंट जो इमीडिएटली पीरिंग पीरियड में कॉन्टेनिंग सिग्निफिकेंस का अभी तक है, तो इन्फॉर्मेशन अबाउट दैट सेगमेंट शैल कंटिन्यू टू बी रिपोर्टेड सेपरेटली। अगर मैनेजमेंट समझे तो करते, वरना जरूरी नहीं है, क्योंकि अब ये बंदा फारग हो गया, पहले अगर ये तीर हाँ भी था, बड़ा जबरदस्त जो है वो बड़ा मशहूर बंदा था, और अब फारग हो गया तो अब इसका जिक्र करना है, करो नहीं करना ना करो। लेकिन एक और अभी मिसाल आएगी आगे, उसमें जरा जरूरी होगा, उसमें जरा जरूरी होगा। तो पहले ये आसमानों पर पहुंचा हुआ था, अब बेचारा जमीन पर गिर गया, स्टैंडर्ड कहते हैं अजीब सब ऐसे बात है, चले छोड़े, सैंडा कहता है यार फारक करो इसको, ना भी देखकर करो मुझे कोई मसला नहीं, पहले दो तीन टेस्ट बड़े कमाल दिए, अब जाकर टेस्ट भी नहीं दे रहा हूँ, कहता है स्टैंडर्ड फारक करो, आगे चलो। 75% टेस्ट है, प्रैक्टिकल लिमिट 10 की होगी, चेहरा इधर रख लें, कुछ नहीं होता, कंपैरेटिव इन्फॉर्मेशन, हाँ ये बड़ा कमाल है, ये पहले जमीन पे था, अब पहुंचा हुआ है, अब आपने पिछले साल के फाइनेंशियल स्टेटमेंट को क्या करना है, रीस्टेट करना है। थोड़ा सा जरा रिलैक्स हो जाए, पैकिंग शेकिंग, नॉन रिपोर्टेबल ऑपरेटिंग सेगमेंट्स को इकट्ठा कर देना है। अब कहानी किसकी शुरू हो गई, डिस जनरल इंफॉर्मेशन में तीन बातें आ गई, सेगमेंट एनालिसिस हो गया और रिकॉन्सिलिएशन, ये रिकॉन्सिलिएशन होगी, ये कौन सा डिस्क्लोजर हो गए, एंटिटी वाइड डिस्क्लोजर हो गए, और ये क्या रह गया, अच्छा जी मेजरमेंट में वो ये कह रहा है कि जी जनरल डिस्क्लोजर्स में जो बांधी करनी किताबें जो वहां क्या लिखा हुआ बता दीजिएगा बाद में, कोई इतनी इंपॉर्टेंट चीज नहीं, कर लें। अच्छा लिखो भाई, सुबह सुबह हमने क्या पढ़ा, एथिक्स के लास्ट टू पेजेस, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, हाँ एथिक्स खत्म हो गया लेकिन एथिक्स के पास पेपर कराने अभी, इसके बाद हमने क्या पढ़ा, IS 12 में हमने एक रिकॉन्सिलिएशन का तरीका पढ़ा और अनयूज्ड लॉसेस। एक उस क्लास से भाई ने बड़ा अच्छा सवाल पूछा था लेकिन मैंने कहा उस बात को फैलाने की जरूरत नहीं, बातें ऐसी फैलती रहेंगी। इसके बाद हमने क्या पढ़ा, IFRS 8 के डिस्क्लोजर, वो साध ने क्या किया, छोड़ दिया FR2, वो दो दिन से नहीं आ रहा, अच्छा कोई इसका है नहीं जानने वाला। अच्छा अब एथिक्स में सिर्फ मुझे आप लिखवा दें जबानी कौन कौन से थ्रेट होते हैं और कौन कौन से फंडामेंटल प्रिंसिपल होते हैं,
वन वन बाय वन जी जी, पहले मेंटल कर लें, कौन कौन से, इंटीग्रिटी चपेड़, इंटेग्रिटी तरतीब से, कॉन्फिडेंस नहीं, कॉन्फिडेंशियलिटी, प्रोफेशनल, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस पहले आती है, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंस, प्रोफेशनल बिहेवियर। इधर से आ जाएं, सेल्फ इंटरेस्ट, सेल्फ जी बिल्कुल, मैंने जगह छोड़ी भी है, मछली बाजार में तो कुछ समझ नहीं आता, खामोश। पास पेपर में उनको जरा हम तुझे कर, पास पेपर में जो आज तक 70-80% सवाल टेस्ट हुए हैं उनमें ये कॉन्सेप्ट टेस्ट हुआ है, कौन सा कॉन्सेप्ट? नहीं नहीं मैं बताता हूं ना, बॉस ने एम्प्लॉय को कहा गलत जर्नल एंट्रीज कर दो, ये सब कुछ किताब में बना हुआ है, कल दिखाऊंगा, फिलहाल सिर्फ एक माइंड मैप बन जाए। बॉस ने एम्प्लॉय को कहा कि तुम गलत जर्नल एंट्रीज कर दो, गलत रिपोर्ट्स बना दो, गलत बजट बना दो। बॉस में क्या मसले हैं और एम्प्लॉय को क्या खतरा है? बोले बोले, बॉस में क्या और एम्प्लॉय को क्या? बॉस में इंटेग्रिटी नहीं है, बॉस न्यूट्रल नहीं रह रहा, न्यूट्रल नहीं रह रहा, किसी एक पार्टी की तरफ इनक्ला, न्यूट्रल नहीं रह रहा, और बॉस प्रोफेशनली बिहेव नहीं कर रहा। आप ये नहीं कह सकते बॉस कोई कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन लीक करने को कह रहे, वो तो गलत जनरेटिस करने को कह रहे। आप ये भी नहीं कह सकते कि बॉस को स्टैंडर्ड नहीं आते, वो सवाल में वाजे बता देगा कि बॉस का लिटल नॉलेज और उसने स्टैंडर्ड पुराने पड़े भूल गए, ऐसी कोई लाइन लिखी होगी पेपर में, ऐसी लाइन लिखी हुई तो फिर और बात है। बस बॉस ने एम्प्लॉय को बुलाया और एम्प्लॉय को बुला के कहा, भाई जन ताजा ताजा सीए किया, आज आप जिंदगी शुरू हुई है, तुम समझ रहे थे जिंदगी जो है वो सब कुछ जो है वो सारी मेहनत खत्म होगी, अब मेहनत शुरू हुई है, तो तुम जाओ और जाके इंपेयरमेंट लॉस और रिवोल्यूशन लॉस की एंट्री डिलीट करके आओ वरना तुझे जूते पड़ेंगे। अब बॉस में इंटेग्रिटी नहीं है, बॉस में ऑब्जेक्टिविटी नहीं है, और बॉस में प्रोफेशनल बिहेवियर नहीं है, ऐसी हरकतें कर रहे हैं, ऐसे बिहेवियर कर रहे हैं जिससे प्रोफेशन के नाम पर आंच आएगी। मोबाइल छोड़ के जरा इधर देख, अच्छा एम्प्लॉय क्या थ्रेट फील कर रहा है? इंटीमिडिएशन थ्रेट होते हैं कि अगले का नेचुरल खौफ दिल में होता है बॉस का, नेचुरल बाय डिफॉल्ट, चाहे वो गुस्से वाला हो चाहे वो गुस्से वाला ना हो, फिर भी ये खौफ होता है बॉस का कि बॉस मुझे कुछ ना कुछ कह सकता है। तो एम्प्लॉय क्या कर रहा है फेस? इंटीमिडिएशन थ्रेट। और तीसरा सवाल आता है कि हाउ एम्प्लॉय शुड रिस्पॉन्ड, एम्प्लॉय रिस्पॉन्ड कैसे करे? वो जो आज तरीके बताए हैं, गवर्नेंस के पास चला जाए, विसल ब्लोइंग करे, लॉयर को रख ले, रिजाइन कर दे, तो तीन सवाल आते हैं। पहला सवाल, व्हाट टाइप ऑफ थिंग्स आर बीइंग वायलेटेड बाय बॉस, वो ये वाली। दूसरी, विच टाइप ऑफ थ्रेट इज बीइंग फेस्ड बाय एम्प्लॉय, हाउ एम्प्लॉय शुड रिस्पॉन्ड। ये तीन रिक्वायरमेंट्स हैं सवालों की। एक चीज कभी कभी सवाल में वो स्वीटनर के तौर पर डालते हो छोटी सी करके, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं बबलू तुम्हें हेलीकॉप्टर दे दूंगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें जेट त्यारा दे दूंगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं तुम्हें त्यारे की सैर करवा दूंगा, अगर तुम ऐसा करोगे तो मैं जहाज को जहाज में बिठा दूंगा। और अब एम्प्लॉय क्या फील कर रहे हैं? सेल्फ इंटरेस्ट थ्रेट। तो इसको फिर हम ऐसे 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 कर लेते हैं। तो ये कभी कभी आ सकते हैं, कब आएगा? जब एम्प्लॉयर एम्प्लॉय को कोई ना कोई स्वीटनर दिखाएगा, उसे कहेगा भाई जन ये कर लो तो ये, और अगर सवाल सादा चल रहा हुआ कोई स्वीटनर ना हुआ बीच में तो फिर एम्प्लॉय ये वाला तो हमेशा लगाना है, ये वाला तो हमेशा लगाना है, ठीक है। अच्छा इसके बाद आप मुझे ये बताएं, ये जो सेफ गार्ड्स हैं ये कितने लोग कल याद करके आएंगे? सेफ गार्ड्स, सेफ गार्ड्स कौन से वाले हैं? वो जो आखिरी सफे पे आज हमने पढ़े हैं, वो सारे के सारे सेफ गार्ड्स हैं। अब मेरे ख्याल से आज तो आपने कुछ भी नहीं करना, आज आप लोगों ने जो है वो सिर्फ टेक लगा के रजाई ऊपर कंबल ऊपर लेके एसी चला के आप लोगों ने खामोश एथिक्स के आखिरी दो पेजेस पढ़ने हैं, फिर आपने रिकॉन्सिलिएशन का फॉर्मेट देखना है, फिर अनयूज लॉसेस में 20 को रिकॉन्सिलिएशन में लेके जाना याद रखना है, और उसके बाद आपने आईएफआरएस 8 के एक दफा दो तीन सफ़े जो हमने पढ़े हैं
उनको पढ़ के आ जाना है, उनमें फिर जो मसला आया वो आप हजरात ने मेरे से पूछना है। तो अब आप वो भाई आ रहे हैं, आप अपने कमेंट्स कर दें टीचर के बारे में, ठीक है, कमेंट्स कर दें टीचर के बारे में। नहीं नहीं कर दें कमेंट्स, कर दें दिल की बातें, कर दें, कभी कभी मौका मिलता है दिल की बातें करने का। भाई जान उधर बांटो, भाई फीडबैक फॉर्म बांटो। नहीं इधर का 100% नहीं, पेपर पास होना चाहिए। रिकॉर्डिंग कर दो ऑफ। अब होमवर्क में क्या दें, होमवर्क में बस कोई सवाल नहीं।